मेरा नाम अनिल सिंह है, मैं जनपद गोरखपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। दोस्तों, ये मेरा पांचवा वीडियो है। पिछले चार वीडियो में मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स, डाई, न्यूक्लियस और सिपो के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं दोस्तों आपको कुछ पल्स फार्मिंग से जुड़े महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप पल्स फार्मिंग से जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं अपने सिपो की मृत्यु दर कम करने के लिए और अच्छे परिणाम लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पल्स फार्मिंग से जुड़ी कुछ सावधानियां बताना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं चर्चा करना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी कठिनाई पल्स फार्मिंग में हम लोगों को आती है कि हमारे टैंक का जो पानी का अमोनिया जो है बढ़ जाता है, जिससे अमोनिया जो काफ़ी खतरनाक होता है सीपों के लिए, उसके बढ़ने से अमोनिया के मतलब सीपों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो उसको हम लोगों को 15-15 दिन पे 20-20 दिन पे अमोनिया की जांच करनी आवश्यक पड़ती है। दोस्तों, मैं आपको ये अमोनिया जांच की किट दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इससे जो है आप अमोनिया की हर 15 दिन या 20 दिन पे आप जांच कर सकते हैं। ये उसका है, इसमें पानी लेकर और मिलाकर जांच कर सकते हैं आप। इसके बाद अगर आपको जांच करने के बाद अपने पानी की अमोनिया अधिक लगे तो उसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों इस सोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा आपका अमोनिया तत्काल कंट्रोल में आता है और आपको सीपों की मरने की दर कम हो जाती है। दोस्तों, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि अमोनिया बढ़ने से सबसे अधिक मृत्यु दर सीपों की होती है और आपके पल्स फार्मिंग को काफी अधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, दूसरी कठिनाई हम लोग के पीएच की आती है, जो जल के पीएच की बात आती है कि आपके टैंक का पीएच कभी कभी बढ़ जाता है या घट जाता है, जिससे भी सीपें प्रभावित होती हैं और उनकी मृत्यु दर घटती बढ़ती रहती है। ये देखिए दोस्तों, आपको मैं पीएच स्टिक दिखाता हूँ। इसके द्वारा आप समय समय पर 15 दिन पे 20 दिन पे आपको अपने पीएच की जांच, जल के पीएच की जांच आपको करनी पड़ती है। ये पीएच स्टिक है दोस्तों, ये देखिए पीएच स्टिक है, जिसके द्वारा जो है अगर आपको पीएच की जांच करनी हो तो आप आसानी से केवल 1-2 मिनट के अंदर आप पीएच की जांच कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने सीपो को सर्वाइव करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने पीएच की, जल के पीएच की, टैंक के पीएच की और अमोनिया की जांच करनी हो और इस किट की आवश्यकता हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट पे मतलब कॉन्टैक्ट नंबर है जिसपे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लाइक आया, मैंने अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।